हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है और एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में आपको अमेज़न एफिलिएट कंटेंट के कंप्लीट ड्राफ्टिंग के बारे में बताया जाएगा। यस, कंप्लीट ड्राफ्टिंग, कि आप किस तरीके से अमेज़न कंटेंट को ड्राफ्ट करेंगे अपने वेबसाइट के अंदर। यहाँ पे आपके इंशाल्लाह तमाम तर वो क्वेरीज ख़त्म हो जाएंगे कि कंटेंट को किस तरीके से अपलोड करना है। और इसके बाद आप लोगों को एक दूसरी वीडियो जिसमें ब्लूफर्स टू अवॉइड के बारे में बात होगी, एंड एक और वीडियो है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों ने वॉच करनी है। और इसी के साथ हम इस चैप्टर को क्लोज कर लेंगे एंड हम लोग मूव करेंगे टूवर्ड यस एसईओ कंटेंट, राइट? नो, आई मीन एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑन पेज एंड ऑफ पेज। ऑन पेज में आपको वो डिटेल बताए जाएंगे कि किस तरीके से आप लोगों ने टाइप करके अपने कीवर्ड्स को यूज़ करना है प्रैक्टिकली, एंड ऑफ पेज में आपको 11 मेथड्स बताए जाएंगे, लेकिन वो स्मार्टफोन में स्टडी करते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। के लिए चलते हैं और इस वीडियो को वॉच करते हैं। हेलो गाइज, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में वी आर इन टू द डैशबोर्ड ऑफ आर वेबसाइट कार्ट वाला, और यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से एक आर्टिकल को आपने पब्लिश करना है। सो एक रैंडम सा ड्राफ्ट करूंगी ताकि आपको समझ आ जाए बेसिक चीज़ें, और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं विच कैन हेल्प यू आउट इन ऑन पेज एसईओ। तो फर्दर आने वाले मॉड्यूल में ऑन पेज एसईओ मैं आपको सिखाऊंगी, तो इसलिए ये पॉइंट्स जो इसमें मैं आपको बताऊँ आप इनको माइंड में रखें, ताकि ऑन पेज एसईओ में मैं इसको लिंक करूंगी और इस चैप्टर को मैं बहुत बार रिपीट करूंगी फर्दर मॉड्यूल में। तो इसलिए यहाँ पर आपके क्लियर कट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। सो फर्स्ट, इफ आई डोंट हैव अ पोस्ट राइट नाउ रेडीमेड, तो मैं किसी पुराने पोस्ट में से थोड़ा सा कॉन्टेंट लेती हूँ ताकि आपको मैं शो कर सकूँ लाइक इन अ न्यू वे कि ड्राफ्ट कैसे करना है एंड पोस्ट। नाउ यू आर अप टू कि आपने राइटिंग कर ली, लेट्स से यू हैव ए आर्टिकल। सो यहाँ पर पोस्ट, इफ आई हैव दिस लोडेड किट, सो हियर वी हैव एलईडी मॉनिटर्स, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है। मैं थोड़ा सा कंटेंट इसमें से उठा लेती हूँ ताकि मैं आपको शो कर सकूँ नेक्स्ट ड्राफ्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये नेक्स्ट पोस्ट में सिखाती हूँ, देन वील जम्प ऑन टू द इंफॉर्मेशनल कॉन्टेंट विच इज़ मॉनिटर्स बाइंग गाइड, कि उसको मैं किस तरह से पोर्ट्रे करना है। मैं आपको डायरेक्ट ऑन दी साइट ही शो करूँगी, एंड कमर्शियल कॉन्टेंट को हम वन बाय वन हर स्टेप के अकॉर्डिंगली करेंगे, क्योंकि इट रिक्वायर्स मोर वर्क है। जब आप नया आर्टिकल लिखते हो तो उसको आपने न्यू पोस्ट में पब्लिश करना होता है, तो सिंपल एड न्यू करके आई यूज टू लाइक ओपन लिंक इन न्यू टैब, यहाँ पर ये लोड हो जाएगा, एंड आई सेलेक्ट के मैं स्टार्ट से थोड़े से पॉइंट्स ले लूँ यहाँ पर, एंड इसको जस्ट कॉपी कर लूँ थोड़ा सा आर्टिकल, एंड देन थोड़े से प्रोडक्ट्स ले लूँ विदाउट लिंकिंग। मैं आपको लिंकिंग इसमें खुद करके दिखाऊंगी कि हाउ टू डू दिस। बिफोर जम्पिंग इन टू द मॉनिटर्स बाइंग गाइड, यहाँ पर सबसे पहले हम अपने आर्टिकल को नेम दे देते हैं, एंड ताकि उसका परमालिंक डेवलप हो जाए। देन उसको कॉपी पेस्ट करने से पहले मैं आपको मॉनिटर बाइंग गाइड पे स्विच करूंगी ताकि वहां से आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। सो हियर, जैसे कि मेरे पास है बेस्ट एलईडी मॉनिटर्स टू बाय इन 2018 दिसंबर अपडेटेड, इट कैन वर्क आउट इन एसईओ वेरी वेल। कैसे कि आप स्टार्ट में, मैंने जैसे आपको बताया था हेडलाइन के लिए, कि आप अपना कीवर्ड जो है उसको स्टार्ट में रखेंगे तो इट विल बी मोर अपीलिंग टू आईज एज वेल एज अंडर द कंसिडरेशन ऑफ गूगल आई बॉल्स। सो हियर मेरा जो कीवर्ड है, इट इज बेस्ट एलईडी मॉनिटर्स, सो आई ट्राई टू राइट बेस्ट एलईडी मॉनिटर्स। जस्ट मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख के इसको एक थोड़ा से सेकंड्स के लिए वेट करूँगी ताकि इसका परमालिंक डेवलप हो जाए। आप स्टार्ट से ही अगर प्रॉपर सारा टाइटल लिख देंगे तो परमालिंक इतना बड़ा हो जाएगा, एंड इट विल लाइक बेस्ट डैश एलईडी डैश मॉनिटर्स डैश टू बाय डैश इन डैश 2018 डैश दिसंबर एंड ऑनवर्ड्स। सो वो एक अच्छा लुक नहीं प्रेजेंट करता व्हेन इट कम्स हेयर। तो अगर यहाँ पर परमालिंक में जस्ट आपके पास शो हो बेस्ट डैश एलईडी डैश मॉनिटर्स, तो इट विल लाइक
ये ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगता है एंड गूगल भी कंसिडर करता है इस चीज़ को. हेयर यू कैन सी कि मेरे पास परमालिंक आ गया, बट हेयर यू कैन सी आपको बेस्ट LED मोनिटर्स शो हो रहा होगा एंड डैश टू बिकॉज क्योंकि ऑलरेडी यहाँ हमारी साइट पे एक LED मोनिटर्स का परमालिंक अवेलेबल है. हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ऑल्दो हम इसको चेंज कर सकते. फर्स्ट ऑफ ऑल ये अगर फर्स्ट आप अपलोड करेंगे तो इसको हम स्टार्ट में चेंज कर सकते हैं, बट हेयर यहाँ पर ये होगा, लेट्स सी होता है कि नहीं. नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इसमें सेव है LED मोनिटर्स. फॉर नाउ आई एम नॉट चेंजिंग इट क्योंकि मैं सेम कीवर्ड यूज़ कर रही हूँ. लेकिन आप लोगों के पास अगर ये टू आ रहा है तो इट मीन्स यू हैव टू आर्टिकल्स ऑफ बेस्ट LED मोनिटर्स ऑन योर वेबसाइट. अब मैं इसको चेंज कर सकती हूँ टू बाय इन 2018 एंड नाउ इट इज़ अपडेटेड वर्जन. आई कैन से इट्स अपडेटेड और यू कैन से यूज डिसम्बर अपडेटेड. ये बहुत कमांड रखता है कि आप जो हो लाइक दिस गुड. हाँ ये ज़्यादा कमांड रखता है कि आप इसको हेडलाइन में मैंशन करें क्योंकि आपके जो गूगल के फ्रंट पेज पे शो होता है जस्ट ये आपका परमालिंक एंड आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन. मेटा डिस्क्रिप्शन में आपको ऑन पेज SEO के मॉड्यूल में समझाऊंगी कि क्या होती है और किस तरह से आपने उसको राइट अप करना है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, तो यू विल गेट क्लियर अबाउट ईच एंड एवरी टर्म. तो फर्स्ट लुक में जब आपका रीडर ये पढ़ेगा कि बेस्ट LED मॉनिटर्स टू बाय इन 2018 लाइक 18 फर्दर इस नाउ 2017 और मैं पहले से उसको 18 की बता रही हूँ क्योंकि मैं उसको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर रही हूँ. तो वो इसी को क्लिक करेगा क्योंकि हर बंदा अपडेट चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करता है एंड इट्स लाइक दिसंबर अपडेटेड मीन्स मैंने अपने आर्टिकल को अभी दिसंबर में रिफ्रेश किया है. मैं इसको 17 भी कर सकती हूँ बट इफ़ आई एम लाइक फार फ्रॉम द न्यू ईयर मैं इसको 2017 सितंबर अक्टूबर में कर सकती हूँ बट नाउ आई एम हेयर इन दिसंबर तो 2018 इट्स जनवरी बट इफ मैं जुलाई में 2018 दे दूंगी तो इट लुक्स स्पैमी. इसको हम नहीं कर सकते कोप अप. ये बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो ज़्यादातर कोर्सेज में आपको नहीं बताए जाएंगी. इवन व्हेन वी हैव कोलैबोरेटेड द 4 मेगा कोर्सेज वी डिडंट केम टू नो अबाउट दीज स्मॉल पॉइंट्स. दे जस्ट ऑन गिविंग द होल सम रिव्यू अबाउट ईच एंड एवरी टैक्टिक बट हेयर जो इस्माइल के टैक्टिक्स हैं और जो ऑल बेस्ड रिसर्च है उसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ें फील होती हैं बाय द टाइम बी एंड वी आर शेयरिंग इन दिस कोर्स एंड प्रॉपर कंप्लीट मेथडोलॉजी शेयर होगी फर्दर कमिंग वेबिनार्स में एंड द अपडेटेड वर्जन्स जो आएंगे हमारे पास. डिफरेंट चैप्टर्स इंक्लूड किए जाएंगे जिस तरह के आपने डिफरेंट प्लगइन्स कैसे यूज़ करने हैं, उनकी सेटिंग्स कैसे करनी है और उसको कैसे आपने इम्प्लीमेंट करना है विद इन योर आर्टिकल्स, तो वो उस पर प्रॉपर आपको सिखाया जाएगा. सो नॉट टू वरी ऑन दैट. हेयर वी हैव डन the headline as well as the permalink. So first before jumping into the text content hum thoda sa monitor buying guides ko review kar dete. Here we on the first page of Cartwheeler monitor buying guide ko hum review karte hain. In a sense maine aapko pichle jo chapters hain usme bhi bataya ki kya kya cheez important hai. Here you can see like recent post show ho rahe hain, navigation through what is a monitor. मैं इसको इधर क्लिक करूंगी तो मुझे मॉनिटर की सारी इन्फॉर्मेशन लाइक बेस्ट मॉनिटर फीचर्ड तो मुझे यहाँ पर डायरेक्ट ये ले आया. कंप्यूटर मॉनिटर केबल्स तो यहाँ VGA एंड DVI ये सब केबल्स हैं मॉनिटर्स की डायरेक्ट मुझे यहाँ पर. किस तरह हमने इंटरनल लिंकिंग की हुई है इट कोप्स अप अ लॉट इन द ऑन पेज SEO. सब आपको सिखाया जाएगा बट हाउ टू डू दिस ऑल सेटिंग्स इसके लिए हमारा अपडेटेड वर्जन फुल फ्लेज रेडी हो रहा है, अंडर प्रोसेस है. सो बेटर टू लाइक आप स्टिक रहें कोर्स के साथ, क्वेश्चंस अराइज करते जाएं क्योंकि आपके क्वेश्चंस से ही आपके हम और वर्कआउट करेंगे और उनके आंसर्स को नेक्स्ट अपडेटेड वर्जन्स में कोशिश करेंगे कि कंप्लीट सॉल्यूशंस दें.
सो लेट्स हेयर नाउ इंफॉर्मेशनल कॉन्टेंट में मैंने आपको जैसे बताया कि विजुअल एड्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए बट हेयर वी डोंट हैव यू कैन सी कोई पिक्चर्स आपको नहीं मिलेंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आर्टिकल जो है वो थ्रो किया है स्क्रीन पे. इट्स आर्टिकल विद हेडिंग्स, थोड़ी सी इसमें एडिटिंग की है, थोड़ी सी लिंकिंग हुई हुई है. विजुअल एड्स एट द स्टार्ट में इन्हें इंट्रोड्यूस नहीं कराए जस्ट बिकॉज कि हमने आर्टिकल थ्रो करने के बाद अराउंड वीक एक गैप देना है. आपने गैप देने के बाद उस पर आप विजुअल एड्स इंट्रोड्यूस करें, अपनी कस्टम इमेजेस भी बना सकते हैं कैनवास से और लाइक पिक्सल से डाउनलोड भी कर लें. फिर यहाँ पर जैसे द लिस्ट ऑफ टॉप 15 पोर्टेबल फर्स्ट एवर मॉनिटर यहाँ पर अच्छे है हमारे पास, तो फर्स्ट एवर मॉनिटर की हम एक पिक्चर डाल सकते हैं यहाँ पर. ये हम सब कुछ डालेंगे. इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, दिस आर्टिकल इज अंडर कंस्ट्रक्शन. तो इस हम लाइक इसको थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, थोड़ी सी कंसिडरेशन में आ जाइए. देन आफ्टर वर्ड्स वील कीप ऑन अपडेटिंग. विजुअल एड्स डालेंगे, थोड़े से ग्राफ्स डालेंगे, इन्फोग्राफिक्स इंट्रोड्यूस कराएंगे, फिर उसके बाद वीडियोस. लेकिन ये सारा का सारा एट द सेम टाइम नहीं करना, लाइक इट विल टेक अ मंथ और टू. बट इससे ये होगा कि आर्टिकल विल शो कीप ऑन अपडेशन इन द रिकरेंट वीक्स. तो गूगल सोचता है कि आपका जो राइटर है और द एडिटर है अलाइव है, ही इज एक्टिव एंड लाइक उसमें अपडेशन ला रहा है, तो आपकी डेट भी शो होती है लास्ट अपडेटेड की गूगल को. तो इट लुक्स अपीलिंग टू गूगल के एक्टिव यूज़र है, तो वो आपको प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर देता है. ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था मॉनिटर्स का, मैंने आपको बताना था कि हाउ योर इंफॉर्मेशनल आर्टिकल लुक लाइक. सो लिंकिंग इन केस आपको ऑन पेज पे समझा दी जाएगी, वो आपको कमर्शियल आर्टिकल भी मैं थोड़ा सा गाइड कर दूंगी कि कैसे करनी है. तो लेट्स जंप ऑन टू एडिंग द न्यू कंटेंट ऑन द विजुअल टेक्स्ट. यहाँ पर आपके पास एडिटर में विजुअल होता है एंड टेक्स्ट होता है. टेक्स्ट में आपके पास उसी विजुअल का बैक एंड पे जो कोड होता है वो चल रहा होता है एंड विजुअल में आप कॉपी पेस्टिंग करते हैं. हेयर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आर्टिकल कॉपी पेस्ट करती हूँ. लेट्स सी, हियर वी गो. यहाँ पर मैंने ये आर्टिकल थोड़ा सा एलईडी से स्टार्ट किया, इंफॉर्मेशन कॉपी पेस्ट किया है एंड यहाँ पर मैंने बिल्कुल इसको नेचुरल रख दिया विद नो एडिटिंग, जैसे कि हम ऑलरेडी वर्ड डॉक्यूमेंट में ड्राफ्ट करते हैं एंड इस पर हम आकर एडिटिंग करते हैं. लाइक अराउंड अबाउट 168 वर्ड्स यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे, यहाँ पर वर्डप्रेस आपको शो कर देता है एंड यू कैन सी हियर ग्रामरली इज़ रनिंग. सो कोई इशू होता है तो ग्रामरली यहाँ पर हमें ग्रीन लाइन जो है अंडरलाइन कर देता है और वो हम ठीक कर लेते हैं. इसके बाद लाइक इट्स से कि ये स्मॉल सा इंफॉर्मेशन मैंने स्टार्ट में ली, लेट्स से जस्ट सपोज. तो हम इसके बाद कमर्शियल आर्टिकल है, तो कमर्शियल आर्टिकल के लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स होना ज़रूरी है. प्रोडक्ट्स के लिए हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि थ्री मेथड्स हैं टू फाइंड द प्रोडक्ट्स. तो वन बाय वन इसको हम स्टडी करते हैं. The very first is Amazon hacks. Amazon hacks में आप simple search कर लो अपना keyword की हम दे देते हैं उसके. Like here we go. यहाँ पर dash line में हुआ होगा already. We can have this right now. Here we go. Access Amazon product finder. यहाँ पर ये ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तभी विल आई एम लाइक डायरेक्टली जंपिंग इनटू इट. बट इफ़ यू डोंट हैव द अकाउंट, आप सिंपल अमेज़न प्रोडक्ट फाइंडर में अपना अकाउंट बनाओ, आपको सब्सक्रिप्शन ईमेल आएगी, आप अपनी ईमेल पे जाके उसको वेरीफाई करो, देन यू विल बी एबल टू फाइंड द प्रोडक्ट्स, अदरवाइज इट विल नॉट बी एबल. सो यहाँ पर आपने अपना कीवर्ड सर्च करना है. कीवर्ड किस तरह आप सर्च करते हो, लाइक आई हैव बेस्ट एलईडी मॉनिटर्स बट आई वॉन्ट राइट बेस्ट, आई वुड लाइक LED monitors. So, like it will not be go S. S नहीं करना मुझे. LED monitor is like okay. आप कोशिश करें कि Amazon product finder में plural form मत use करें. Simple click on fetch products. यहाँ पर आपके पास top rated और जो listed products आ जाएंगी. And here you can see this different products. In terms of price, reviews, rating,
और आपको इनकी कमीशन भी किस तरह अमेजोन देगा पर प्रोडक्ट, तो वो भी यहाँ पर उसकी रेंज आपको बता देंगे। सिंपली आपको प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी है, फर्स्ट होगा उसका रिव्यू। रिव्यू मीन्स कितने लोगों ने उससे बाय किया है। एच पी पवेलियन को 946 रिव्यूज मिले, मीन्स 946 लोगों ने उसे बाय किया है। रेटिंग इसकी 4.5 है। इट सीन्स कि उसकी जो वो परफॉर्मेंस है वो अच्छी है, लाइक आपको 4 से अबव रेटिंग मिलती है विद हाई रिव्यूज तो द प्रोडक्ट इज एक्सेप्टेबल। द थिंग इज ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्राइस। इफ यू विश टू बाय द लाइक प्रेजेंट द प्रोडक्ट विच हैज़ द हाई प्राइस बट यू कैन से लो रेटिंग तो इट डज नॉट लाइक गुड ओके विद दिस। तो आप कोशिश करें कि गो फॉर दोज प्रोडक्ट्स जो कि ज़्यादा रिव्यूज विद हाई रेटिंग देते हैं। प्राइस इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आप हाई प्राइस वाला प्रोडक्ट लेते हैं तो इट्स उसकी कमीशन भी ज़्यादा होगी, लेकिन उसकी इट विल बी पॉसिबल कि उसकी रिव्यूज़ कम हो। बट रिव्यूज भी ज़्यादा है, रेटिंग भी ज़्यादा है और प्राइस भी अच्छी है तो फिर ये तो लकी प्रोडक्ट होगी। जैसे असूस इज़ लाइक मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट राइट नाउ एट द मोमेंट, इसकी प्राइस भी बुरी नहीं है एंड इसका रिव्यूज़ भी अच्छे जा रहे हैं एंड रेटिंग भी बुरी नहीं है। सिंपल मैंने प्रोडक्ट को यहाँ से एक ओपन किया, लेट्स से आई एम टेकिंग दिस, तो यहाँ पर मेरे पास डायरेक्ट अमेजोन ओपन हो जाएगा। यू कैन सी एच पी पवेलियन की सारी स्पेसिफिकेशंस आ गई हैं हमारे पास स्टार्ट में। देन उसकी जो हम अगर नीचे आते जाएं तो यहाँ लास्ट में बिल्कुल आपको इसकी रेटिंग भी मिल जाएगी, आपको इसके जो है ये डिफरेंट जो रिव्यूज़ हैं जो जिन लोगों ने अमेजोन से बाय किया इस प्रोडक्ट को तो उनके सेपरेट रिव्यूज़ भी मिल जाएंगे। रिव्यूज़ आप सिंपल स्टडी कर लो एंड प्रोडक्ट की लाइट सी डिस्क्रिप्शन जो है आप ड्राफ्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। फर्स्ट आपने प्रोडक्ट अमेजोन प्रोडक्ट फाइंडर से फाइंड कर लिया, राइट। सेकेंड मेथड जो हमारे पास आता है इट इज़ फ्रॉम द डायरेक्ट फ्रॉम द अमेजोन। तो सिंपल हम अगर वो तरीका चेक करें तो आई अप्रिशिएट दैट द मोस्ट, बिकॉज मैनुअल जितना आप काम करते हो वो थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव होता है। टूल्स वर्क अ लॉट बट मैनुअल इज समथिंग जिसमें आपको सीखने को भी बहुत मिलता है और आपको श्योर होता है कि ये चीज़ मैंने ट्राई की है तो इट विल रिजल्ट ऑन बेस्ट। आप सिंपल ऑल डिपार्टमेंट्स रखें। मैं अपना कीवर्ड रखती हूँ लेट्स से पोर्टेबल मॉनिटर्स हेयर, या यू कैन से लाइक पोर्टेबल मॉनिटर्स, ठीक है। मैं तो 2-3 कीवर्ड आपके ही हो जाएंगे, लाइक पोर्टेबल मॉनिटर रखें, डोंट गो ऑन प्लूरल। सही है, यू विल गेट द प्रोडक्ट्स एंड रेलिवेंस के अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएंगी। इफ़ यू विश टू बाय लाइक टू प्रजेंट दैट प्रोडक्ट जिसकी आपको मिल जाती है ज़्यादा रिव्यूज चाहिए, मीन्स वो मोस्ट सेलिंग है, यू कैन से हेयर, तो आप आई एम लाइक हेयर रेलिवेंस से आप एवरेज कस्टमर रिव्यू पे चले जाएं। एवरेज कस्टमर रिव्यू से ये होगा ना कि आपको, हाँ इट्स जस्ट शोइंग मी लाइक दिस, मैंने डिपार्टमेंट्स ऑल्ट किए हुए हैं, इट्स पोर्टेबल मोनिटर। एवरेज कस्टमर रिव्यू में मेरे पास पोर्टेबल डिवाइसेस आ गई हैं, आई हैव रिटन पोर्टेबल मोनिटर्स, हाउएवर लेट्स सी व्हाट हैपेंस हैपनिंग हियर। मैंने इसमें जस्ट एक एस इंक्लूड किया तो देयर इज लाइक मुझे मोनिटर शो हो गए हैं, तो आप इसमें पोर्टेबल मोनिटर्स ही सर्च करें, इसमें प्लूरल में चले जाएँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एवरेज कस्टमर रिव्यू है, प्राइस हाई टू लो, लो टू हाई, न्यूएस्ट अराइवल, इसमें आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी सर्च को अपने अकॉर्डिंगली। तो एवरेज कस्टमर रिव्यू में आपको मैंने जैसे बताया असूस फुल एचडी इज द मोस्ट रेटेड प्रोडक्ट, लाइक यहाँ पर आपको इसकी रेटिंग 4.8 मिल रही है, इट्स वेरी गुड। इसकी प्राइस देख लें आप, इट्स 129 और यहाँ पर आपको इसके जो है रिव्यूज मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करना चाहते हो तो सिंपल कॉपी पेस्ट दैट लिंक इन योर लाइक वर्ड डॉक्यूमेंट एंड वन बाय वन इसको आप अपने जो विजुअल टेक्स्ट एडिटर है यहाँ पे डालें एंड फिर इसको लिंक करेंगे अमेजोन से। आई विल टीच यू हाउ टू डू दैट। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग टू हैव दोज मॉनिटर्स
جس کی پرائز ہائی ہے. اسٹارٹ میں زیادہ تر لوگ ٹارگیٹ کرتے ہیں ہائی پرائسز کو, تو سمپل آپ ہائی پرائسز کے مانیٹرز آپ کے پاس آ جائیں گے. تو یہاں پر آپ نے آن دا ویری لیفٹ سائڈ یو کین سی ہیئر لائک, ہاں ایوریج کسٹمر ریویو میں 4 and up, مجھے اس کی ریویوز بھی اچھے چاہیے, مجھے اس کی ریٹنگ بھی اچھی چاہیے, اینڈ آفٹر آل مجھے پرائز بھی اچھی چاہیے. پرائز اگر آپ دیکھتے ہیں اس کی, دیکھیں آپ اس کی ریٹنگ ہے کہ اس کو اونلی 1 پرسن نے بائی کیا ہے, اس کو 5 star دیے ہیں, اینڈ اس کی پرائز چیک کریں, اس کی پرائز بہت اچھی ہے. بٹ ریٹنگ تب میٹر کرے گی جب آپ کے ریویوز زیادہ ہوں گے. میں آئی ڈونٹ گو فار دس, بٹ اف یو ہیو دس ڈیل الٹرا شارٹ, اٹس 105 کسٹمرز نے بائی کیا ہے, ریٹنگ اس کی آپ کو 4.2 ہے, اٹس گڈ انف ٹو پریزنٹ آن یور اسکرین. سو اس پروڈکٹ کو میں سلیکٹ کر سکتی ہوں رائٹ ایٹ دا مومنٹ, یہ پرائم بھی ہے تو دس ول گو بیسٹ فار دی پروڈکٹ. یہاں پر 17 ریویوز ہیں پلس یہاں پر ریٹنگ اس کی 4.6 ہے, بٹ اس کی پرائز بھی اچھی ہے, بری نہیں ہے. بٹ آپ ٹرائی کریں کہ آپ کے ریویوز زیادہ ہوں پلس ریویوز کے ساتھ ریٹنگ کو اپ 4 سے ابو ہو اس کا. 4.1 اٹس گڈ بٹ اٹس ناٹ گڈ دین دس. تو ہم تھوڑا سا پرائز پہ کمپرومائز کریں ان ٹرمز آف اٹس ریٹنگ. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا ہائی پروڈکٹ ہو, ہائی پرائز پروڈکٹ, تو اٹ ول گو ڈیفینیٹلی گڈ. بٹ ان دی اسٹارٹ ٹرائی ٹو میک سم تھنگ ریئلی افیکٹو ان آل دی 3 aspects, پرائز, ریٹنگ اینڈ ریویوز. اس کیا سب کچھ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے پروڈکٹس کو لو ٹو ہائی لے کے جاتے ہو یا ہائی ٹو لو لے کے جاتے ہو, کس ٹائپ کا آپ جنریٹ کرتے ہو. میک شیور کہ موسٹ جو ایکسپینسو پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کی سیلنگ کم ہوتی ہے, بٹ جب وہ سیل ہوتی ہیں تو ان کا کمیشن 2-3 پروڈکٹس سے ایکویلنٹ ہوتا ہے. تو یہ چیز مائنڈ میں آپ رکھیں, اٹس ویل اینڈ گڈ. یہ چھوٹے چھوٹے کور پوائنٹس ہیں جو ایزیلی ہر جگہ شیئر نہیں ہوتے اور اتنا پراپر 1 by 1 ایک اسٹیپ نہیں سکھایا جاتا کسی کورس میں, بٹ وی آر ٹیچنگ یو کہ جسٹ اگر آپ نے بالکل یو ڈونٹ ہیو اینی نو ہاؤ اباؤٹ دس, تو آپ یو ول بی ایبل ٹو جنریٹ کوائٹ ہیوی انکم نوٹسنگ ایچ اینڈ ایوری پوائنٹ. کیونکہ we have promised کہ آپ کو ہم بالکل نیو بی سے پرو لیول پہ لے کے جانا ہے, تو پرو لیول کے لیے سارے اسمال کور ٹیکٹکس بہت امپورٹنٹ ہے وچ وی آر یوزنگ آن آر بلاگس. تو اٹ ول بی ریئلی گڈ کہ آپ اگر پراپر سارا فریم ورک فالو کرو. تھرڈ از کمپٹیٹرز بلاگ. کمپٹیٹرز بلاگ کے لیے میں نے لیٹس سے میں اس کے لیے بھی پورٹیبل یوز کر لیتی ہوں, پورٹیبل مانیٹرز. As I keep on working on portable monitor, start میں میں بیچ میں ایل ای ڈی پہ سوئچ ہو گئی, تو ایل ای ڈی کے لیے کانٹینٹ, جسٹ وی ہیو نیمڈ دس ایل ای ڈی کانٹینٹ, میں اندر کسی کا بھی یوز کر لوں گی جسٹ ٹو شو یو ہاؤ ٹو ڈرافٹ دی پوسٹ. اب کمپٹیٹرز بلاگ میں لیٹس سے آئی ہیو ٹیک ریڈار, لیٹس سی وی آر ناٹ رینکڈ, سی اے, اینڈ اس کو ٹیک ریڈار یوز کر رہی ہوں. ٹیک ریڈار میں انہوں نے کیا یوز کیا ہوا ہے, پورٹیبل مانیٹرز میں انہوں نے کیا پروڈکٹس, میں سمپل اوپن آؤٹ کروں گی بیسٹ 10 کمپٹیٹر بلاگس اینڈ انہوں نے کون سے میچ کیے ہوئے. انہوں نے اس, اوکے انہوں نے اسوس جو ہے, لائک تھریٹ, او مائی گاڈ, ہاں اوکے اسوس کیا ہوا ہے انہوں نے, انہوں نے جی شیک کیا ہے. آئی ول ٹیک دس, میں سرچ کروں گی سیپریٹلی ان کو امیزون پر کہ ان کا کیا جو اسٹیٹس ہے وہاں پر, ان کے ریویوز کتنے آ رہے ہیں. تو میں سمپل ایسے کمپٹیٹرز بلاگ سے بھی اپنے پروڈکٹس اٹھا سکتی ہوں, کیونکہ کمپٹیٹر بلاگز اگر رینکڈ ہے دے مسٹ بی گیٹنگ سم اماؤنٹ آف انکم. ہیئر دس, ادھر بھی ہم پورٹیبل مانیٹرز میں دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح کیا ہوا ہے. انہوں نے یہاں لنکنگ کی ہوئی ہے, کافی اچھے سے ٹیبل دیا ہوا ہے, اس کی پرائز, سائز, ویٹ سب کچھ بتایا ہوا ہے انہوں نے. 1, 2, 3, 6 پروڈکٹس ہیئر, 6 کے 6 پروڈکٹس میں پرسنلی امیزون پہ ویو کروں گی اف دے آر لائک گڈ, اس کے پروز اینڈ کانس بھی اچھے. تو میں سمپل یہاں سے پروڈکٹس پک اپ کروں گی اینڈ ان کو ریویو بھی کروں گی تاکہ مجھے اپنی ڈرافٹنگ میں آسانی ہو. لیٹس سے وی آر آل ڈن وتھ دی پروڈکٹ فائنڈنگ رول, تینوں اسٹیپس ہو گئے, 3 of the 3 گوز بیسٹ. بٹ اف آئی سے ہم ریکمینڈ کریں گے آپ کا مینوئل موڈ وچ از تھرو امیزون. امیزون سے کافی لیٹ, اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ کو لیٹسٹ اس کا مل جاتا ہے رزلٹ. کیونکہ اگر یہ فار ایگزامپل
सो हमारे पास ये साइट है टेक रेडार, सबने आपको अपडेट नहीं किया अराउंड अबाउट मंथ हैव बीन पास्ट एंड प्रोडक्ट्स चेंज हो गई हैं. इसकी जो टॉप रेटेड प्रोडक्ट है लेट्स से असूस, उसके बाद अब एक न्यू प्रोडक्ट जो इंट्रोड्यूस हो गई है लेट्स से सैमसंग की, एंड उसकी रिव्यूज भी अच्छे हैं, उसकी प्राइस भी अच्छी है एंड उसकी रेटिंग भी अच्छी है, तो आई गो फॉर दैट नॉट देन दिस. तो फिर इस वजह से अमेजोन का जो तरीका है डायरेक्ट मैनुअल मेथड इट विल गो बेस्ट, क्योंकि यहाँ पर हमने इनकम जनरेट करनी है, विल नॉट टेक एनी रिस्क अपॉन दिस. So let's jump into the add new portion. मैं simple LCD से थोड़े से products डाल लेती हूँ and आपको मैं linking सिखाती हूँ और किस तरह से हमने portray करने अपने information को वो भी सिखाती हूँ. So let's go. As I've copied this small content here, आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर हमारे पास मैंने एक प्रोडक्ट लिया. जब आप वर्ड डॉक्यूमेंट से डायरेक्ट इधर विजुअल एडिटर में पेस्ट करते हो तो राउंड अबाउट इस तरह का ड्राई सा आपके पास जो सारी राइटिंग्स आ जाती है. हाउ टू मैनेज दिस ऑल स्टफ तो मैं आपको भी वन बाय वन बताती हूँ. सो हैंग अप ऑन दिस, यहाँ पर आप एक एक पॉइंट का ख्याल रखें. जो लिंकिंग की बात आएगी द टेक्स्ट लिंकिंग विद द अदर आर्टिकल्स ऑन पेज SEO में आता है, वो सारा आपको इसी कॉन्टेंट में मैं नेक्स्ट मॉड्यूल में समझाऊंगी. फिलहाल हम ईजी जोन की लिंकिंग एंड थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं कि आपने किस तरह से इसको एडजस्ट करना है. आर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट है, मैं इसको जनरल रीड करती हूँ. नाउ डेज मैनी पीपल आर वन ऑफ बाइंग द बेस्ट LED मॉनिटर्स, योर प्रेजेंस अश्योर्स यू आर वन ऑफ देम. पीपल आर नॉट बाउंड टू व्हाट दे लिसन बट ओनली बट इन फैक्ट दे आर अट्रैक्टेड बाय द विजुअल एड्स दैट इज what they see on the screen. Like ऐसे के points जिसमें already punctuations introduce हुए हैं, like इसको मैं इस तरह से manage कर दूँ कि what they see on the screen इस तरह से, तो it will look good. Like उसको आप proper अच्छे तरीके से adjust कर सकते हो. Everyone understands that visual demonstrations are offered by monitors, TVs, projectors, but as the advancement blah blah blah, here design make it users amused ये this, बट यहाँ पर आप इसको नेक्स्ट लाइन में कर दें, थोड़ा सा क्वेश्चन है तो इसको सेपरेटली शो करेंगे तो इट विल लुक लाइक आप खुद ही देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे आपको पढ़ने में आसानी होगी. देन यू मस्ट बी वरीड अबाउट योर मनी इफ इट गेट वेस्टेड बाय द रॉन्ग चॉइस ऑफ द प्रोडक्ट. वेल हियर नो वरीज. फर्दर यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसको कर दिया, वेल हियर नो वरीज फर्दर. And in this article, you will find the best of the best LED screens to buy in 2017 and in coming years too. मैं इसको like many of computer monitor deals यहाँ पर, yet some of them are leading above all. Here you will go. तो basically यहाँ पर जो है sentences को, जैसे मैंने start में बताया कि no paragraph should be exceeding 5 lines. तो इसलिए मैंने इसको इस तरह की स्ट्रक्चर किया. नाउ कम्स लाइक यू विल फाइंड ऑल द टॉप 15 प्रोडक्ट्स मेंशन हियर अलोंग विद एडिटर्स पिक इन द हाउ टू बाय गाइड इन द टेबल बिलो. सो टेबल बिलो को मैंने ऑलरेडी यहाँ मेंशन किया. अब मैं यहाँ पर टेबल जो है इस एट द राइट प्लेस यहाँ पर मैं टेबल जो है इंसर्ट करूंगी. टेबल के लिए हम जो इट्स नॉट शॉर्ट कोड, हम एक प्लग इन यूज करते हैं, वो है टेबल प्रेस. टेबल प्रेस को यूज करने का सारा तरीका आपको नेक्स्ट वर्जन में सिखाया जाएगा और किस तरह आपने उसकी इंटरनली लिंकिंग करनी है विद ऑल दी कोड्स, वो काफी थोड़ा सा टफ प्रोसेस है. तो उसके लिए एक नया चैप्टर विल इंट्रोड्यूस इन द लेटेस्ट वर्जन, सो स्टे ट्यून्ड. इसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट आता है, वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट. तो सबसे पहले हमें प्रोडक्ट की हेडिंग, लाइक इसको आप कोशिश करें हेडिंग टू में रखें. हेडिंग टू में रखने के बाद इसको नंबर कर दें, इट शुड बी लाइक नंबर वन हेडिंग एंड स्पेस. आफ्टर दैट आई एक्सपेक्ट के मैं इसको, यू कैन सी हेयर ग्रामरली यहाँ पर इसको पॉइंट आउट कर रहा है, इट शुड बी लाइक अल्ट्राशॉप आर फिनोमिनल एज इट, डोंट होली सोली डिपेंड ऑन द ग्रामरली. अल्ट्राशॉप इज फिनोमिनल इज गुड, इज अल्ट्राशॉप आर नहीं सूट करता, तो थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस आप यूज करें. आफ्टर दैट डिजाइन फीचर्स हैं, प्रोज एंड कॉन्स हैं. इसको हम टैब्स में बताया इस तरह, हम ओरिजिनल जो हमारे पास कंटेंट शो होता है टैब्स में, तो हम उसके लिए एक शॉर्ट कोड यूज करते हैं विच इज इंसर्ट शॉर्ट कोड. हम वो आपको प्लग इन बता देंगे, आप इंस्टॉल कर दें सिंपल. और इसको यूज करने का तरीका क्या है, ऑल सिंपल, इसमें जाएं एंड अपना टेक्स्ट जो है वो पेस्ट करते जाएं.
we are using the ultimate shortcode plugin for using the tabs or baki's key adjustment ke liye. Aapko further versions mein ye sikhaya jayega kis tarah use karna hai. So right now here at the moment main aapko thodi si easy zone ke linking sikha deti hu. Easy zone ek hamare paas aisa plugin hai jo ki direct hamare product ko amazon se connect kar deta. To try to fill out like Dell Ultra Shop, ye first three words maine liye. इसको मैं इजी जोन का प्लगइन इंस्टॉल है और इसकी सेटिंग आपको सिखाई गई होगी फॉर श्योर. तो इसमें इजी जोन को सिंपल क्लिक करें एंड यू विल गेट द रिलेटेड सर्चेस रिगार्डिंग द प्रोडक्ट. सर्च कीवर्ड्स जैसे लाइक एसेट ग्रैबर है ये यूज़ करता है जिसके लिए. तो यहाँ पर मेरे पास तो वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट आपने चेक करना है क्योंकि काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं. तो यहाँ पर आपने चेक करना है कि इज दिस द सेम प्रोडक्ट यू आर सर्चिंग फॉर. यस इट इज. तो सिंपल आप यहाँ पे टेक्स्ट लिंक को क्लिक करोगे. टेक्स्ट लिंक को क्लिक करने के लिए आप उसके बाद डिफरेंट एस्पेक्ट्स आ जाते हैं जिसको आपने सेट करना है. फर्स्ट आप सेट कर लोगे जिस सेटिंग्स पर, बाकी फर्दर प्रोडक्ट्स पे वो ऑलरेडी रिकमेंडेड सेटिंग्स में चला जाएगा. तो आपको जस्ट अपनी सर्च डालनी है और वो ऑलरेडी सेट होगा. न्यू विंडो, येस आई वॉन्ट दिस ऑन न्यू विंडो कि कोई मेरे इस प्रोडक्ट को क्लिक करे तो डायरेक्ट न्यू विंडो पे अमेजोन आए कि ताकि मेरी वेबसाइट भी ओपन रहे एंड वो नेक्स्ट पेज पर जाए. नो फॉलो इट्स और डिफॉल्ट रखें. ट्रैकिंग आई डी आपने बनाना सीख ली होगी इजी अमेजोन की. तो यहाँ पर जो हम यूज़ करें इस कार्ट वाला यूएस, हर किसी की अपनी आई डी होती है. तो एड टू कार्ट इट्स लाइक इसको डिफॉल्ट रखें. क्लोक को यस कर दें. लोकलाइजेशन को डिफॉल्ट रखें. प्रोडक्ट पॉपअप्स, नो आई डोंट वांट दिस, सो इसको नो कर दें. नॉट इंसर्ट, इट शुड बी लाइक इंसर्ट मार्कअप. आप इंसर्ट मार्कअप करेंगे तो आपके पास ये इंसर्ट हो जाएगा. हियर यू कैन सी यहाँ पर आप अगर क्लिक करोगे तो ये नेक्स्ट पेज पर आपके पास अमेजोन शो करेगा. हियर डिज़ाइन फीचर्स को आपने टैब्स में डाल देना है. प्रोज एंड कॉन्स आप शॉर्टकट के थ्रू भी कर सकते हो सेट. और लाइक हेयर यहाँ पर जैसे हुई हुई हैं इस तरह के भी आप कर सकते हो. ये कोडिंग हुई भी है कस्टम कोडिंग, तो ये कोडिंग आपको सिखाई जाएगी फर्दर वर्जन्स में. सो नॉट टू वरी ऑन दैट केस. हेयर वी आर डन विद दिस. अब यहाँ पर लिंक हो गया प्रोडक्ट प्लस. आई विश टू इंसर्ट एन इमेज. तो मैं इमेज के लिए सिंपल दोबारा से मैं कहाँ इमेज चाहती हूँ. आई वॉन्ट दिस इमेज राइट हेयर. लाइक मैं यहाँ पर इसके नेक्स्ट स्टेप पर चाहती हूँ, मुझे इमेज चाहिए. तो मैं इजी जोन वापस जाऊंगी. इमेज लिंक, एन इमेज लिंक मुझे इसे सेट करना है राउंड अबाउट. मैं इसको 500 रखती हूँ ताकि मैं इसको इजीली एडजस्ट कर सकूँ. अलाइनमेंट अब तक कार्टवाला पे हमने राइट पर की हुई है तो राइट पे कर लेते हैं. आप सेंटर में भी कर सकते हैं. येस न्यू विंडो में मुझे चाहिए. डिफॉल्ट रखें. ट्रैकिंग आई डी सेम है. एड टू कार्ट को डिफॉल्ट रखें. क्लोक को आप जो है डिफॉल्ट रखें. लोकलाइजेशन को आप यस कर दें. एंड इट्स नाउ इट्स इंसर्ट मार्कअप हियर एंड इट विल थोड़ा सा इजी जोन थोड़ा सा स्लो होता है बट यू कैन एडजस्ट इट. एंड अभी मेरे पास इतनी बड़ी इमेज आ गई है, इसको मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँ. एंड इट विल लुक लाइक दिस. ठीक है यहाँ पर. एंड द थिंग इज इसको मैं यहाँ से भी एडिट कर सकती हूँ. आई विश कि मैं इसको कैप्शन डाल दूँ कि ये पता चले यूज़र को कि इस इमेज को क्लिक करने से ही विल बी डायरेक्टेड टू दी अमेजोन डायरेक्ट. तो इसको मैं सिंपल कंट्रोल बी कर लिया या इस तरह करके सिंपल अपडेट कर दें. तो यहाँ पर आपके पास लाइक इट्स टू स्लो हियर कि आ जाए आपके पास अल्टरनेटिव टेक्स्ट में करके देखते हैं. आई एम नॉट रॉन्ग कि मैं अगर गलत कर रही हूँ तो यहाँ पर करके देखते हैं. नॉट गेटिंग हियर. ओप्स लेट्स सी. हम इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं डिफरेंट तरीकों से. लाइक इसी से हम थोड़ा सा स्लो वर्क करते हैं. लेट्स सी. हो हियर आई गॉट. इसको सिंपल आप शो करने के लिए थोड़ा सा कंट्रोल भी करके बोल्ड कर सकते हैं. एंड यहाँ से फील हो जाएगा इसको यूज़र को कि इस इमेज को मैं क्लिक करूँगा तो आई विल बी डायरेक्ट टूवर्ड्स दी अमेजोन साइट. सो ऑल अप नाउ. यहाँ पर जो बेसिक कमर्शियल आर्टिकल की लिंकिंग थी वो मैंने आपको बता दी. इसके बाद जो फर्दर इंटरनल लिंकिंग और कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, इस सब कुछ आपको जो है ऑन पेज एसईओ में समझाया जाएगा. अप टिल नाउ ये आप लोग इसको
माइंड में एम्बेड कर रहे हैं, राइट, क्योंकि इसी आर्टिकल को मैं आगे कंटिन्यू करूंगी. फिलहाल इसको आई एम नॉट पब्लिशिंग, आई एम सेविंग इट. ड्राफ्ट में आप सेव कर सकते हो. एंड हियर नाउ आप इसको कैटेगरी भी असाइन कर सकते हैं किस तरह, लाइक इट्स सेव ड्राफ्ट. देन इसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है कैटेगरीज. आई वॉन्ट टू शो इट राइट इन दी वेयर कैटेगरीज में ब्लॉग में डालना चाहती हूँ या फिर आई वॉन्ट दिस इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स. आई प्रेफर टू इट शुड बी इन ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रोडिक्शन आ जाती है दोनों उसमें. तो बेटर टू हैव दिस ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स. टैग्स आप दे दो, इट शुड बी लाइक एलईडी मोनिटर्स कैन ऑल्सो बी पोर्टेबल मोनिटर्स. तो मैं पोर्टेबल मोनिटर्स भी डाल दूंगी. Portable monitors and only monitors, like 5 tags se zyada na dale to it's well and good. Ye tags isliye dalte hum ke different jo hum searches karte hain best monitors dal dete hain, bhai ye aapko khud bhi thoda sa suggest kar deta hai, to aap wo bhi use kar le to zyada achhi baat hai. हम जब सर्च करते हैं तो डिफरेंट यूआरएल्स के साथ उसकी टैगिंग की बेस पर भी हमें वो जो प्रोडक्ट है और जो हमारा आर्टिकल है वो शो होता है. आफ्टर दैट हम इमेज जो है वो सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू इट. डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से हम इमेजेस ले सकते हैं. गूगल इज़ द मेन. उसको हमने कैसे एडजस्ट करना है, कस्टमाइज करना है, वो मैं आपको सिखाती हूँ अभी. एंड किस तरह से हम उसको प्लेस करेंगे तो वो ऑन पेज में भी आपको काफ़ी हेल्प देगा. सो लेट्स गेट इनटू सेटिंग द इमेज. लेट्स सी. फॉर दिस पर्पस, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं पिक्सल्स यूज कर लेती हूँ. लेट्स से कि मुझे इमेज चाहिए ताकि कॉपीराइट इश्यूज भी ना आए. मैं सिंपल सर्च इंजन में अपना कीवर्ड एंटर करूंगी एलईडी मॉनिटर्स और यहाँ पर मुझे डिफरेंट इमेजेस शो हो जाएंगे एलईडी मॉनिटर्स. लेट्स से कि मुझे ये पसंद है. आप सिंपल इसको ओपन करो एंड डाउनलोड फ्री हो जाएगी आपके पास. इट्स अ लैपटॉप. मैं मॉनिटर की साइड पे जाती हूँ तो दिस विल आई थिंक हाँ ये इट लुक्स गुड. इसको मैं ले लेती हूँ ऐसा एंड इसको डाउनलोड कर लेती हूँ. And you know you have this. आप इसको desktop right इधर save कर ले. And if you have done this, आप इसको compress कर सकते हैं using cesium. इस image को फिलहाल मैं ऐसे ही जो है डालती हूँ. इसका एक important thing right यहाँ पर ये picture आ गई है मेरे पास and मैं इस picture को पहले रीनेम करूंगी. इट्स अ टैक्टिक ऑफ ऑन पेज एसईओ बट हियर आई एम शोइंग यू राइट दिस एलईडी मॉनिटर. अपना कीवर्ड डाल देती हूँ बेस्ट एलईडी मॉनिटर. अपनी इमेज को आप नेम दे दें तो आपकी इमेज हो जाएगी. देन इसको मैं अभी कंप्रेस नहीं कर रही. कंप्रेस आप को मैं सिखा दूंगी कैसे करते. आप सिंपल अपलोड फाइल्स में जाएं, सेलेक्ट फाइल्स. यहाँ पर डेस्कटॉप में आई हैव मेंशन्ड दिस वेयर इट इज यहाँ पर एंड मैं सेलेक्ट हो गया बेस्ट एलईडी मॉनिटर्स. देन आई ओपन इट. इट विल अपलोड हियर. आप सिंपल बेस्ट एलईडी दे दें. मॉनिटर्स हो गया. ये खुद बहुत अलाउ कर देगा इसको कि आप इसको सेट कर लें. हियर वी गो. यहाँ पर सिंपल सेट फीचर इमेज कर रही हूँ मैं इसको एंड इमेज इज सेट. ठीक है, या फिर अपने हिसाब से इसको रीसाइज कर लें किस तरह से आप चाहते हैं अपनी साइट पे. लाइक वी आर हैविंग दिस राउंड अबाउट 300 का कुछ हमें टारगेट मिलता है मार्जिन जिस पे हमें अपनी इमेज सेट करनी होती है. तो आप भी इमेज सेट कर सकते हैं. यहाँ पर बाकी और सेटिंग्स नहीं है. यूज्ड इंटरनल लिंकिंग एंड सेटिंग्स जो यहाँ पर लास्ट में आपको मिलेगा ये लाइक सी यू कैन सी योर बेस्ट एलईडी मॉनिटर स्टे कूल एंड दिस कार्ट विल बेस्ट 2 सेकंड था. बाकी कीवर्ड्स हमने ऐड करने हैं, स्नैपेट किस तरह की डालनी है हमने, तो वो मैं आपको एसईओ वाले चैप्टर में कम्प्लीटली बताऊंगी. आपको यूज्ड की सेटिंग सारी स्माइल वुड टॉट यू अबाउट दिस. तो
अब किस तरह हमने आर्टिकल में एसईओ को सेट करना है योस्ट के थ्रू, तो ये आपको मैं नेक्स्ट मॉड्यूल में समझाऊंगी. लेट्स गो विद सेव ड्राफ्ट्स. आई एम नॉट पब्लिशिंग इट राइट नाउ. इसको कंप्लीट तरीके से हम समझ के पब्लिश करेंगे. सो ऑल डन विद द पोस्टिंग. आपको समझ आ गया होगा और ट्राई टू इम्प्लीमेंट योर ओन. एनी क्वेश्चन सिंपली आस्क इन द ग्रुप, विल गेट आंसर्ड फ्रीक्वेंट. Stay tuned. Meet you in the next chapter. Welcome back guys. Video आप लोगों ने देख ली और उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी. और क्यों नहीं लगेगी, मैं आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि बेहतरीन है, जो कि वैल्यूएबल है और जिससे आपको सीखने को मिल रहा है. यस ऑफ कोर्स. एंड मैं उम्मीद रखता हूँ इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग यहाँ से सीख के, मेरा दोस्त आ गया आइसक्रीम वाला, आप लोग यहाँ से इन्फॉर्मेशन सीख ले एंड इम्प्लीमेंट करने के बाद कमेंट करें कि भाई मैंने आपके इन्फॉर्मेशन से सीखा और मैं आज कमा रहा हूँ. मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात कोई नहीं है. इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.